भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री श्वेता यादव का कहना है कि पुलिस की नौकरी छोड़कर अपने ख्वाब पूरे करने के लिए फिल्मों में आई हैं। श्वेता यादव की फिल्म मोहब्बत की सौगात प्रदर्शित होने वाली है। फिल्म के प्रमोशन के सिलसिले में पटना आई श्वेता से विशेष बातचीत में कहा, फिल्म मोहब्बत की सौगात पूरी तरह से मुझ पर केंद्रित फिल्म है। इस फिल्म के जरिए दर्शकों को भोजपुरी सिनेमा में नयापन देखने को मिलेगा। फिल्म देखकर लोगों की धारणा बदल जाएगी कि महिलाएं या युवती केवल घर के कामकाज के लिए है। महिलाएं यदि बाहर काम करना चाहती है तो उसे काम करने देना चाहिए। अभिनेत्री ने कहा, बचपन के दिनों से ही पुलिस ऑफिसर या फिर अभिनेत्री बनने का ख्वाब देखा करती थी। किरण बेदी से काफी प्रभावित होने के कारण मैं उनकी तरह ही देश की सेवा करना चाहती थी। हर युवती की तरह मैं अभिनेत्री बनने का भी सपना देखा करती। वर्ष 2012 में मुझे पुलिस में दरोगा के पद पर नियुक्त होने का अवसर मिल रहा था, लेकिन परिवार के मना करने पर मैंने यह इरादा त्याग दिया और इसके बाद अभिनेत्री बनने का सपना देखने लगी। श्वेता यादव ने कहा, बतौर अभिनेता मैंने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में प्रदर्शित भोजपुरी फिल्म बंधन से की। इसके बाद कुछ गुजराती फिल्मों में भी काम किया। मैं फिलहाल मोनालिसा को लेकर फिल्म में ससुराल नहीं जाऊंगी बना रही हूं। यह एक महिला प्रधान फिल्म है। आज के दौर में महिला प्रधान फिल्में काफी बनाई जा रही है और यह इंडस्ट्री के लिए खुशी की बात है। फिल्म में मैं अभिनय भी कर रही हूं। मोनालिसा रियलिटी शो नष्ट बलिए में हिस्सा ले रही है। इस बारे में पूछे जाने पर श्वेता ने कहा, मोनालिसा जी ने भोजपुरी सिनेमा का नाम रोशन किया है। पहले बिग बॉस में और अब यह नच बलिए में अपना जलवा बिखेर रही है। मैं चाहती हूं कि मोनालिसा जी नच बलिए की विजेता बने। अभिनेत्री ने बताया कि वह बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन को अपना आदर्श मानती हैं। श्वेता यादव ने कहा, हाल ही में विद्या की फिल्म बेगम जान देखी है। फिल्म में उन्होंने कमाल का काम किया है। विद्या बालन फिल्मी परिवार से ताल्लुक नहीं रखती है, लेकिन उन्होंने अपने काम के बलबूते इंडस्ट्री में अपना मुकाम बनाया है। विद्या जी की मुझे सारी फिल्में पसंद है, लेकिन फिल्म डर्टी पिक्चर में उनके अभिनय का कोई जवाब नहीं। जिस तरह से उन्होंने सिल्क स्मिथता का किरदार निभाया वे काबिले तारीफ है। यदि मुझे अवसर मिलता है तो मैं भी भोजपुरी फिल्म में सिल्क का किरदार निभाना चाहूंगी। श्वेता यादव ने बताया कि उन्हें काफी समय से बॉलीवुड में काम करने के प्रस्ताव मिल रहे हैं, लेकिन वे भोजपुरी सिनेमा में ही अपनी पहचान बनाना चाहती है। उन्होंने कहा, मैं बिहार की रहने वाली हूं और भोजपुरी सिनेमा में अपने काम की बदौलत बिहार का नाम रोशन करना चाहती हूं। मेरी आने वाली फिल्मों में मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, मैं नगरिया, तू देख, बबुल्ला और पर्वतिया आदि प्रमुख हैं।